के बलडीहा गांव में। और आपको बता दें कि यहां पर एक कैंप लगाया गया है, लेकिन जो कैंप लगाया गया है वो सांसद और विधायक के द्वारा नहीं, बल्कि जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं फिरोज आलम, उनके द्वारा लगाया गया है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं। बाढ़ राहत शिविर का देखिए बोर्ड, एक बैनर बड़ा लगा हुआ है जो कि पप्पू यादव की पार्टी के का यह बैनर है, और फिरोज आलम जो नेता जन अधिकार पार्टी के हैं, इनके द्वारा यहां पे कैंप लगा करके क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है। इस कैंप के अंदर हम चलेंगे और वहां से दिखाएंगे जो तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि इस कैंप के अंदर स्वयं फिरोज जो नेता है यहाँ पे, जो जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद फिरोज, उनके द्वारा यहाँ पर जो पूरी है वो निकाली जा रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से निस्वार्थ भावना के साथ सुबह से ये लगे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। अपने हाथों जो कढ़ाई में घी में जो पूरी छानी जाती है, ये स्वयं अपने हाथों निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बलडीहा गाँव की, जो कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड का यह तस्वीर है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से वो पूरी निकाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये लोग बेचारे लगातार लगे हुए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा की जाए। और सेवा करने के दौरान ये तमाम आप तस्वीर देख सकते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मोहम्मद फिरोज जो है जन अधिकार पार्टी के जो नेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एक टीम है, तमाम टीम के सदस्य यहाँ पे मौजूद है उनके सहयोग के लिए। और बिल्कुल आप देखिए कि कैसे ये टीम के जो लोग हैं इन्हीं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और फिरोज जी जो हैं ये लोग अब पूरी निकाल रहे हैं और ये पूरी पैकेटिंग की जाएगी, उसके बाद से जो बाढ़ पीड़ित हैं जो कि यहाँ पे पूरी खीर सब्जी तमाम तरह की चीजें, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या तैयारी हो रही है, और पैकेटिंग की जाएगी और उस पैकेट को ले जा करके बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा जाएगा। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात होगी कि आखिर क्या कुछ तैयारी हो रही है। आप बताइए कि क्या कुछ यहाँ तैयारी हो रही है। बहुत सारी तैयारी हो रही है जी। कभी आज के ये लोग का जैसे त्यौहार था तो हम लोग सोचे कि इनका त्यौहार तो अच्छे से मनेगा नहीं जी। तो हम लोग सोचे खीर पूरी दे देते हैं इनको, इनका भी त्यौहार मन जाएगा जी, जी। नहीं तो बाकी दिन पूरी सब्जी दिया जाता है, कभी बिस्किट भी दिया जाता है, ठीक है। यानी बहुत सारे के हम लोग का चीजें दिए जाते हैं, तिरपाल वगैरह सब कुछ, दवाइयाँ भी दिए जाते हैं। फिरोज जी अपने से खुद यहाँ पर पूरी छान रहे हैं और देखा जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित जी हम लगे हैं। डेली ये छानते हैं, कभी आते हैं तो दो घा निकालते हैं छाने उनके। तो बिल्कुल आपको दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पे मोहम्मद फिरोज जो है वो किस तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे थे। हालांकि मोहम्मद फिरोज से भी बातचीत होगी और आगे भी चलेंगे जब बाढ़ पीड़ितों को पैकेट देने के लिए, तो वहाँ भी जा करके बातचीत होगी। लेकिन अभी फिरोज जी से बात करेंगे। फिरोज जी देखा जा रहा है सारा बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने हाथों पूरी कचौड़ी यहाँ पर या तमाम तरह की चीजें हैं जो उनको पैकेटिंग करके देना है वो स्वयं आप कर रहे हैं, काफी आप लगे हुए उनके लिए, क्या क्या कहना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जन अधिकार पार्टी के हमारे पप्पू यादव और हमारे प्रेमचंद हैं जी, प्रेमचंद जी जो हैं और हमारा पूरे टीम के लोग हैं और रोज यहाँ पे फल हलवा रहे हैं और खाने का काम जो है सारा लोग, अगर जहाँ मतलब हट जाता है तो हमारा एक दिन भी हम लोग गैप नहीं करते हैं। हर रोज हम लोग खाना लोगों को ले जाके अच्छा हमारी टीम उन लोगों की टीम तक पहुँचाती है, और किसी का कोई दुश्वारी हो तो हर दुश्वारी उससे पूछ के उसको पूरा किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बलडीहा गांव है यहाँ पे कितने बाढ़ पीड़ित हैं जिनको आप लोग खाने पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लगभग 1500 से लेकर 2000 तक लोग हैं। और यहाँ पे क्या और भी जो नेता है जो जनप्रतिनिधि है वो लोग क्या पहुँचा रहे हैं। और लोग जो है आते हैं कुछ, जिसको दिल किया तो बिस्कुट, और ये लेकिन हमारा जो है रोज के लिए है
और इस पे लोग बहुत लोग बड़ी खुश हैं कि कम से कम हमें हर टाइम जो है खाना यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर हमारा एक घंटा लेट होता है तो लोग इंतजार करते हैं कि खाना आए। तो बिल्कुल आपने देखा कि मोहम्मद फिरोज हैं और बल्डिहा गांव में हम पहुंचे हुए हैं। लगातार हम आपको बाढ़ ग्रसित इलाके का जो दौरा कर रहे हैं और वहां से हम तमाम तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं और कैंप बना करके इस तरह से यहां पे जो से मदद की जा रही है बाढ़ पीड़ितों की। दिलीप जी यहां पे है जो अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिलीप जी ये बताइए क्या इस इलाके में जो यहां के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं या नहीं? वो तो फेल है। अच्छा, वो तो खत्म घुमाएंगे, गाड़ी घुमाएंगे, चला जाएंगे, उनका काम वही है। हम लोग यहाँ 25 तारीख के रात से 12 बजे से हम और प्रेमचंद भाई और हमारे तमाम दोस्त मित्र, वो हमारे मुखिया जी फिरोज भाई और भी हमारे साथी लोग हैं, सब लोग थे 25 तारीख रात से। आपको नहीं है विश्वास तब चलिए मार्केट में, यहाँ से मार्केट के लोगों के बीच में हम लोग पानी जब दुकान में घुस रहा था उस समय से लेकर और 12:30 बजे रात तक में रोड पर ब्याह पर या अपने बांध पर ब्याह हम लोग को लगाने के काम। कितने लोग होंगे जो बाढ़ से आप पूरी तरीके से ग्रसित है और जिन तक आप लोग पैकेजिंग भेज रहे हैं? इस पर तो अभी तक 1500 सामने है और 1500 से 2000 लोग और 1500 इधर हो गए हैं और 700-800 रुपये बल्डिहा में हाई स्कूल में 800 लोग उधर है। हाँ, और दोनों वही हम लोग जाते हैं। तो अभी तो सांसद महोदय की गाड़ी दिखाई दी है, आए हैं, वो पता नहीं क्या किए हैं नहीं किए हैं, उनसे हम लोग को मतलब नहीं दिया। अपना है, अपना फर्ज निभा रहे हैं। पार्टी से हम लोग के जन आधार पार्टी से पप्पू भैया से हम लोग के ऑर्डर है कि यहाँ से कहीं नहीं जाना है। और भी लकड़ी नबीगंज में जहाँ भी 11 पंचायत में जो भी प्रॉब्लम है हमारे पार्टी के तमाम आगे आप लोग खड़े रहेंगे, जन अधिकार पार्टी खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी पूरा टाइम खड़ी रहेगी, अभी नहीं पूरे टाइम खड़ी रहेगी। जब तक यहाँ से कोई भी अपने घर नहीं जाता है पहले यहाँ से कैंप नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। हमारे घर में खुद पानी है बाकी हम इधर हैं। हमारे लोग तो घूम रहे हैं पूरा चुनाव के लिए, वोट भी मांग रहे हैं। हम लोग तो वोट के बात नहीं कर रहे, लिखाइए कहीं पोस्टर बैनर पर कहीं वोट पर। और भी नेता हम देख रहे हैं कि और लोग से नहीं मतलब मेरे से मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग से वोट के तो बातें हम लोग नहीं करना है। और आगे जब क्या होगा नहीं होगा अपना नाम दिलीप कुमार जन आधार पार्टी के। दिलीप कुमार थे और देखा आपने किस तरह से इन्होंने कहा कि जब इनसे सवाल किए गए कि सांसद और विधायक कहाँ हैं तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल फेल है। और इस शिविर में आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी वो बिल्कुल और लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगी हुई है। हालांकि अब हम यहाँ से चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर जो फिरोज है मोहम्मद फिरोज वो पहुँचेंगे और वहाँ पर जो पैकेटिंग की जा रही है, जो अपने हाथों खाना तैयार कर रहे थे उन तक किस तरह से वो वितरण करने का काम करेंगे, हम उस जगह पर चलेंगे और वहाँ की तमाम तस्वीर। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma stay है और बाढ़ आने के पहले पप्पू यादव ने यहाँ पर पहुँच गई और सारी टेंट टोंट की व्यवस्था और जनरेटर की व्यवस्था पप्पू यादव ने की है और हर चीज के सुविधा देने के लिए वो तैयार है। यहाँ के जो पप्पू यादव के जो पार्टी के जो नेता हैं फिरोज जी, अब उनके द्वारा भी यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है। हाँ, वो भी देख रेख में अपना सब कार्यकर्ता को लगाए हुए है, जितना घटा बड़ा सामान है वो सब पूर्ति वो कर रहे हैं। ये लोग क्या क्या बांट रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर खीर पूरी सब्जी जितना भी आदमी आता है वो सब खा करके जाता है। जब तक ले आदमी नहीं हो रहता है तब तक ले खाना बनता ही रहता है, एकदम ये चलता रहता है। हाँ, आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? हम बल्डिहा के रहने वाले हैं, बगल में मराठी भी गांव है, खुशियाल डुमरी है, बरवा डुमरी है, हर जगह के आदमी आकर के खाना खाते हैं। बाढ़
हाँ पूरा यह सब एरिया डूब चुका है। और आपके जो क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं ये लोग क्या व्यवस्था दे रहे हैं? ये आज तक ले अभी तक ले आए भी नहीं है, आज तो सुनने में आए हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं वो जनार्दन सिंह सिग्रवाल और उनके हारे प्रत्याधी विधानसभा के दिवेश कांत सिंह। अच्छा वो पहुँचे हैं लेकिन सुविधा वो कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए।